हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह सब लोगों को ठीक रखे। तो यार मेरी हालत पे ना जाना आप लोगों को पता है कि एक मिनट, आप लोगों को पता है कि हम मकान जो है शिफ्ट कर रहे हैं, तो हालत इस टाइम जो है फुल गंदी हुई है। और तो आपको गंद दिखाता हूँ कि कितना पड़ा होगा। एक मिनट आ जाओ ज़रा, ये देखो जी, देखो कितना गंद पड़ा हुआ है। ये वलीद पाड़ उतार है पखे के, ये अभी पखा उतरने लगा फैन, ये देखो ये इधर से अभी तोड़ के निकलेगा, ये देखो सीलिंग तोड़ के निकल रहा है ये। नहीं नहीं सारी नहीं आनी, उधर वो उधर लगे या उधर कुंडे तो लाते आना बस। भाई लगे हुए सीलिंग टूट रही है सारी, ये इसकी भी टूटेगी अब। ये देखो गंद, और ना चेयर भी थलों पकड़नी, तो किनारे ते पई है। हाँ इतना मेरे रूम का भी एसी रह गया, बाकी जो है ये सारा कुछ उतार दिया। ये भाई के रूम का भी सारा कुछ निकाल दिया, फैन वगैरह सारा कुछ। ये देखो सीलिंग टूट रही है, ये आ गया जी फैन नीचे, अब वो आ जाएगा ले आ। ये आ गया जी, अब ये उतरने लगा है, ये टूट रहा। ओए 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 ओए, ये टूट गया जी। अब अलमारी जो आ गई है, अलमारी अब होने लगी है इधर। ये आ गया मज़दा, अब इधर रखने लगे हैं इसको आधा सामान, बल्कि सारा ही आ जाना है इसमें। सामान है वो शिफ्ट हो गया और थोड़ा सा सामान रह गया, वो बस अभी इस फेरे में चले जाना है, तो आधी फैमिली उधर जानी, सारी चीज़ें चले जाना, मैंने इधर ही रहना, मैंने और नदीम ने, क्योंकि रात फिर इधर जो दरवाजे वगैरह हैं वो हम फिर केयर करनी पड़ती है, तो फिर हम वही हम लोग रात इधर ही रहेंगे। ये अलमारी हमारी पहली जो ये हो गई शिफ्ट, हमारी लग गई मुश्किल ये चढ़ी है कसम से। ओए होए होए ये दूसरी लमारी, चलो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी भी लग गई है। ओए होए होए कसम से इतनी मुश्किल चढ़ी है ये, इतनी वजनी थी। ओए होए बस हो गई है ये जी तीसरी लमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ गई है, पर मुश्किल काम हो गया है। ये हो रहा है जी, अब ये अलमारी उठाने लगे। ओ ड्रेसिंग सॉरी यार, इतो ठीक है ना, चलो 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 ये गई जी ड्रेसिंग, गई जी ड्रेसिंग भी। ये देखा जी, चलो जी ये भी गया, चलो 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 शाबाश बस। हाँ चलो चलो, ये जो
बाबा इनके तो मोटे नहीं आई काम करना सामान लाते रहे हैं आगे तो लिया नहीं जा रहा आप ना पकड़ना यार सीन ये है कि जो घर हमने लिया था ना रेंट पे वो बहुत ही छोटा है, मतलब सामान ज़्यादा निकल आया हमारा, तो वो हमने मतलब ख़त्म कर दिया। तो अब न्यू एक जो पहले देखा था वहाँ जाने लगे हैं, वो आपको भी दिखाते हैं। तो बड़ी मुसीबत में फंस गए अब तो आपको मैं दिखाता हूँ वो घर जो उधर 9 कमरे है, इधर जो थे वो सिर्फ 4 कमरे थे, बिल्कुल ही छोटे थे। तो जो अब देख जो मैं इससे पहले देखा था ना उसके 9 कमरे हैं। तो अब उधर जाने लगे हैं सामान लेके, अब तो जलालत डे या जलील हो रहे हैं यकीन मत। ये है जी, अब ये देखो इसके कमरे बड़े ना खुले हैं, ये देखो ये देखो इसके बड़े कमरे खुले हैं, एक दो, ये हाल है, ये 3, ये 4, 5 वो किचन है, वो वाशरूम है, ये वाशरूम है, उसके बाद ये कमरा 6, 7, 8 कमरे बहुत हैं इसके, जो मर्जी का गैराज देखो कितना बड़ा है। और ये देखो नहर ना बिल्कुल पास है, नहर के ऊपर ही है ये, बिल्कुल ना मतलब नहर के ऊपर ही है। तो हमें फायदे बहुत हैं इसके, घर भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऊपर से पानी जो है वो फ्रेश ताज़ा है, सही है, हर तरफ सही है, सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह सामान उतरने लगा इधर, ठीक है फिर उतारने लगे अब। ये घर बहुत ना खुला है, ये देखो ये माला पहला है, सामान शिफ्ट हो गया, बस हो गई, बस कसम देख लो यदि भी बस हो गई, बस दी मैं भाई व्लॉग को करते हैं एंड, ये देख लो कि हमारी खत्म, अगले व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।